रामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। प्रभास ने क्या कहा, किसके हाथ से ये फिल्म छूट गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंकुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं उससे पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों हम बाहुबली फिल्म की बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि कैसे इस फिल्म के थ्रू हमें पता चला था, जो कि पहली फिल्म आई थी, कि महिष्मति कौन सा राज्य है, उसमें महेंद्र बाहुबली कौन है, उसके पिता कौन थे और वो कितने बड़े राजा थे। अब इस फिल्म के एंड में हमें इस बात पर छोड़ दिया गया कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें दूसरी फिल्म में तो मिल गए। अब जब इस फिल्म का तीसरा पार्ट आने वाला है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें दिखाया जाए कि भल्लाल देव के पिता उसकी मौत का बदला ले महिष्मति से, और वो भी किसी पुराने दुश्मन के साथ मिलकर। अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। वहीं फिल्म में हमें एक नए दुश्मन की एंट्री भी दिखाई जा सकती है, जो कि महिष्मति पे कब्जा जमाना चाहता होगा, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब महेंद्र बाहुबली किस तरीके से अपने राज्य को बचाता है। इस बार ये भी हो सकता है कि राजमौली हमारे लिए एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए। लेकिन हालांकि उनसे कई बार ऐसा पूछा गया कि बाहुबली का तीसरा पार्ट वो बना रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वो तीसरा पार्ट बनाना नहीं चाहते। लेकिन फैंस की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट को देखकर उनका मन बदल सकता है और वो बाहुबली 3 बनाने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और हाल ही में प्रभास ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो राजमौली के साथ फिर से एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि प्रभास और राजमौली मिलकर फिर से हमें बाहुबली 3 में दिखाई दे और इस बार कुछ नया भी देखने को मिले, जैसे कि एक नए दुश्मन की एंट्री हो सकती है फिल्म में। दोस्तों आपको ये भी बताएं कि इस फिल्म में जितने भी हीरो हीरोइंस कास्ट हुए हैं जो मेन लीड्स में हैं, वो मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, काफी सारे एक्टर्स ने बाहुबली में कास्ट होने का मौका गंवा दिया था। भल्लाल देव के रोल के लिए पहले जॉन अब्राहम को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी ओर ऋतिक रोशन को बाहुबली के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इस रोल से मना कर दिया। मोहनलाल को कटप्पा का रोल ऑफर हुआ था और नयनतारा को राजमाता शिवगामी का, लेकिन ये ऑफर्स भी इन दोनों ने नकार दिया और फिर ये रोल्स मिल गए जो एक्टर्स हम आज देख पाए हैं। तो काफी अच्छा भी है, शुक्र भी मना सकते हैं कि अच्छा हुआ इन लोगों ने ऑफर्स मना किए, ताकि हम लोगों को प्रभास और अनुष्का शेट्टी को देखने का मौका मिला। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बाहुबली 3 में प्रभास के ऑपोजिट कौन कास्ट होगी और राजमौली इस बार हमारे लिए क्या नया और यूनिक लेकर आएंगे इस कहानी में, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ज्योति ने।